अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं उनको 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना आवश्यक है, जरूरी है। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन की का टाइम आया है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें G20 देशों के नेताओं ने एक साथ मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दिल्ली घोषणा पत्र पर भी सभी देशों के बीच आपसी सहमति बनी। इसके साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च हुआ। इसको लेकर राजनयिक दिग्गजों ने बात की है, जाने किसने क्या कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नई दिल्ली का घोषणा पत्र हुआ है उसमें भी बहुत विस्तार से इस बात को सारे नेताओं ने सहमति जाहिर की है कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं उनको 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना आवश्यक है, जरूरी है, समय आ चुका है। तो इसलिए अब आगे देखना है कि किस तरह से जो इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत भारत के नेतृत्व में अफ्रीकन यूनियन G20 में आ गया है, किस तरह से उसका प्रभाव आगे बढ़ेगा और जो भारत के मत हैं उनसे और लोग भी सहमति, और देश भी सहमति जता पाएंगे। से बड़े पैमाने पे प्लान किया, विजन दिखाए और फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे सहमति पाई, सबकी तरफ से सहमति पाई। और इसमें जियोपॉलिटिकल इशू यूक्रेन को ले के एक तरफ, वो जियोपॉलिटिकल इशू उन्होंने उसमें लिखा भी है कि हालांकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज G20 के महकमे में नहीं आते, उनका ये तो अलग है, लेकिन फिर भी हम इसमें कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं, UN चार्टर ऑब्जर्व होना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने कह दिया और सबकी सहमति थे इस पे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया ने भी इस पे सहमति दी है, अन्य देशों ने सहमति दी है। सो आई थिंक ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन की का टाइम आया है। और इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्लोजिंग सेशन में कि वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाए और एंड ऑफ नवंबर में वो चाहते हैं कि एक वर्चुअल G20 का सेशन दोबारा हो। फॉर द फर्स्ट टाइम आम आदमी ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन दिल्ली बट जहाँ जहाँ इनकी मीटिंग्स हुई हैं और अक्रॉस द कंट्री, उनको पता चला कि कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो G20 का नाम है जिसका, और आज क्योंकि सब इतने वाइड कवरेज है तो सब लोगों को ये भी पता चल गया कि सारे दुनिया के देश के सारे दिग्गज, जिसे कहना चाहिए दिग्गज नेता और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट सब आए हैं और सब का जो प्रेसिडेंसी है इंडिया कर रहा है। इससे एक फीलिंग ऑफ यू नो गर्व की फीलिंग आती है और एक फीलिंग आता है कि हम यहाँ, हमारा देश भी आगे चला है, जो पिछड़ा इतना नहीं रह गया है। और क्योंकि हमारी GDP फॉर्चुनेटली अच्छी हो रही है, और लेकिन एक जो चीज़ है प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैं भी मानती हूँ कि ह्यूमन लेड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस हो रहा है और हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड ऑल्सो। और ये जो हमने एक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो बात की है, क्योंकि ग्लोबल सॉल्यूशंस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं और सबने क्रिएट किया है। और इस वक्त सारी कंट्रीज एक जगह जो G20 में शामिल हुई हैं, सबसे जो विकसित हैं और जो सबसे गुड, जिनकी 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सॉरी GDP का हिस्सा हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और अब AU भी आ गया है, अफ्रीकन यूनियन भी आ गया, तो 87%। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ये बहुत ही एक अहम, ये G20 एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसके द्वारा आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि जितने ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनका एक ग्लोबल सॉल्यूशन ही होगा। और जो मेन कंट्रीज हैं अगर वो इस पे सहमति करते हैं और कमिट करते हैं कि हम आगे मूव करेंगे तो सॉल्यूशंस जरूर कारगर होंगे और इम्प्लीमेंट होंगे। G20 शिखर सम्मेलन का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें विश्व के दो प्रमुख नेता राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए। उनके नहीं आने के बावजूद ये सम्मेलन हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, और इसमें एक साझा घोषणा पत्र भी अडॉप्ट किया गया।
इसके शिखर सम्मेलन के होने के पहले ये डर था कि शायद एक साझा सम्मेलन नहीं हो पाए, लेकिन ये हुआ और ये भारतीय राजनय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।